विज्ञान महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह गौड़ के नेतृत्व में कुत्तों को कुलपति बनाकर उसके समक्ष ज्ञापन का वाचन किया गया। ज्ञापन का वाचन जिला संयोजक विनोद राठौर ने किया। NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ ने कहा, जब छात्र संगठन विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। दरअसल विगत दिनों विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा BSc प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था। कई विद्यार्थी फेल हो गए, जिसमें कई मेधावी विद्यार्थी भी शामिल थे। विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम के 0 नंबर आए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि लैंग्वेज ऑफ कल्चर, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स आदि विषयों में 0 नंबर दिए गए। अधिकांश विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण किया गया है। इसी के चलते NSUI ने श्वान के गले में कुलपति की पट्टिका पहनाकर ज्ञापन सौंपा। NSUI ने चेतावनी दी कि यदि विद्यार्थियों की मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी। आज NSUI द्वारा साइंस कॉलेज में BSc फर्स्ट ईयर के बच्चों का रिजल्ट लगातार हर बार यही होता है कि हर बार रिजल्ट बिगड़ता, पूरी की पूरी क्लास को फेल कर दिया जाता है। इसके विरोध में आज NSUI द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। हमने कुत्ते को कुलपति बनाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। कुत्ता इसलिए क्योंकि हम कुलपति को हर बार ज्ञापन देते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें भो 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 टाइप कर देते हैं कि हाँ भैया हम कर देंगे, तो हर बार भूखने का काम करते हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे हैं। किसी को 0-0, पूरी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 में से 45 बच्चों को 0-0 आए। क्या कारण मानते हैं आप इसका? ये यूनिवर्सिटी की लगातार लापरवाही है। इसमें ना ही इनकी कापी जांची जाती है, वहाँ के क्लर्क द्वारा इनकी कापियाँ जांची जाती है, ना कि कोई प्रोफेसर द्वारा जांची जाती है। प्रोफेसर को जो कि हर कापी जांचने के 25 रुपये दिए जाते हैं, फिर भी प्रोफेसर द्वारा उनकी कापियाँ नहीं जांची जाती।